हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है टेली मेडिसिन से संबंधित। तो इसमें देखेंगे कि आखिर ये अभी चर्चा में क्यों है और आखिर ये टेली मेडिसिन है क्या, इसे भी देखेंगे। टेली मेडिसिन का इतिहास क्या रहा है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। भारत में टेलीमेडिसिन का विकास क्या हुआ उसे देखेंगे। टेलीमेडिसिन का अनुपयोग, टेलीमेडिसिन के जो अनुपयोग के क्षेत्र हैं उन्हें भी देख लेंगे। टेलीमेडिसिन की उपयोगिता क्या है उसे भी देखेंगे। टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में सरकार के क्या प्रयास रहे हैं उन्हें भी देखेंगे। इसके सामने क्या चुनौतियां हैं उसे भी देखेंगे। ठीक है, इस वैश्विक महामारी के दौरान स्वास्थ्य देखभाल उद्योग वर्तमान में बड़े पैमाने पर परिवर्तनशील दौर से गुजर रहा है। इस संकट के दौरान सामान्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बहाल करने की आवश्यकता है। वर्तमान में टेलीमेडिसिन, जिसे ई स्वास्थ्य सुविधा का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है, की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। इस समय संपूर्ण देश की स्वास्थ्य और संरचना कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने में लगी हुई है। ऐसे में सब अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के समक्ष चिकित्सीय सुविधाओं को प्रयास करने में कठिनाई हो रही है। भारत में टेलीमेडिसिन और टेली हेल्थ के वर्तमान परिदृश्य का मूल्यांकन करने का यही सही समय है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अध्ययन में यह पाया गया कि टेलीमेडिसिन भारत की संपूर्ण जनसंख्या के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि कर सकता है। इससे मुख्यतः ग्रामीण आबादी अत्यधिक लाभान्वित होगी। टेली एक ग्रीक शब्द है, जो आपका टेली है एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है दूरी, और मेडिली में दूरी, और मेडिरी जो है एक लेटिन शब्द है। क्या है लेटिन? जिसका अर्थ होता है ठीक करना। तो याद रखिए, टेली एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है दूरी, और मेडिरी एक लेटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है ठीक करना। टाइम पत्रिका ने टेलीमेडिसिन को हीलिंग बाई वायर के नाम से संबोधित किया है। हालांकि प्रारंभ में इसे भविष्यवादी और प्रायोगिक माना जाता था, लेकिन टेलीमेडिसिन आज एक वास्तविकता है। निश्चित ही भारतीय चिकित्सा क्षेत्र के कर्मी कंप्यूटर के कुशल जानकार नहीं है। वस्तुतः चिकित्सा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अनुपयोग के संबंध में जागरूकता और जोखिम की कमी है। ये भारत में टेलीमेडिसिन के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। निसंदेह हमें तकनीकी जागरूकता की कमी को रुकावट नहीं बनने देना चाहिए, नवाचारों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बात करते हैं आखिर क्या है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की एक उभरती हुई विधा है, जहां सूचना प्रौद्योगिकी के साथ चिकित्सा विज्ञान के सहक्रियात्मक साकेंद्रण से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्र जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रबंधन के अनेक अनुप्रयोगों के अलावा स्वास्थ्य देखभाल अदायगी की चुनौतियों को पूरा करने की अपार संभावना निहित है। यह उतना ही प्रभावी है जितना एक टेलीफोन के जरिए चिकित्सा संबंधी किसी समस्या पर रोगी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ आपस में बात करते हैं। ईसीजी, रेडियोलॉजिकल इमेज आदि जैसे निदानिक परीक्षणों, चिकित्सीय जानकारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा रिकॉर्ड भेजने और आईटी आधारित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से रियल टाइम आधार पर अंतःक्रियात्मक चिकित्सा वीडियो कॉन्फ्रेंस करना, उपग्रह उस स्थलीय नेटवर्क द्वारा ब्रॉडबैंड के उपयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे जटिल कार्य करना भी इसका भाग है। किसका? टेलीमेडिसिन का। टेलीमेडिसिन का इतिहास देखें तो पिछले कुछ वर्षों में
टेलीमेडिसिन के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्रों में दी गई सेवाएं दूर संचार प्रौद्योगिकी की अपेक्षाकृत नए उपयोग के रूप में दिखाई देती। सच्चाई यह है कि टेलीमेडिसिन विगत 30 वर्षों से किसी न किसी रूप में उपयोग में है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने टेलीमेडिसिन की शुरुआत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टेलीमेडिसिन में नासा के प्रयास 1960 के दशक की शुरुआत में आरंभ हुए, जब मानव ने अंतरिक्ष में उड़ान उड़ान भरना शुरू किया। मिशन के दौरान फिजियोलॉजिकल पैरामीटर को अंतरिक्षयान से प्रेषित किया गया था। टेलीमेडिसिन का सबसे शुरुआती प्रयोग एरिजोना प्रांत की ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए किया गया। वर्ष 1971 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा अलास्का के 26 स्थलों को चुना गया, ताकि यह देखा जा सके कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने की दिशा में तकनीकी द्वारा टेलीमेडिसिन का प्रयोग कितना कारगर है। वर्ष 1989 में नासा ने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसके तत्वाधान में आर्मेनिया के एरेवन शहर में एक टेलीमेडिसिन चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया। इसके बाद अमेरिका में 4 स्थलों पर टेलीमेडिसिन चिकित्सा केंद्र स्थापित किए गए, जो कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि तकनीकी सुविधाओं से लैस थे। अगर भारत में टेलीमेडिसिन के विकास की बात करें, तो भारत में इसरो ने वर्ष 2001 में टेलीमेडिसिन सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के साथ प्रारंभ की, जिसने चेन्नई के अपोलो अस्पताल को चित्तूर जिले के अरगोंडा गांव के अपोलो ग्रामीण अस्पताल से जोड़ा था। इसरो द्वारा की गई पहल में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ राज्य सरकारों ने भी भारत में टेलीमेडिसिन सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मानकीकृत टेलीमेडिसिन चिकित्सा दिशा निर्देश जारी किए गए, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन टास्क फोर्स की स्थापना जैसे सकारात्मक कार्य किए गए। इसरो का टेलीमेडिसिन नेटवर्क एक लंबा सफर तय कर चुका है। इस नेटवर्क में 45 दूरस्थ ग्रामीण अस्पतालों और 15 सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों को जोड़ने का कार्य किया जा चुका है। दूरस्थ क्षेत्रों में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीप, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र, उड़ीसा के मेडिकल कॉलेज और अन्य राज्यों के कुछ ग्रामीण जिला अस्पताल इस नेटवर्क में शामिल हैं। टेलीमेडिसिन अनुपयोग के क्षेत्र है टेली हेल्थ। टेली हेल्थ लंबी दूरी की क्लिनिकल हेल्थ केयर, रोगी और पेशेवर स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा और प्रशिक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रशासन को समर्थन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूचना और दूर संचार प्रौद्योगिकियों का एक समूह है। टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र। टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र वह स्थल है जहाँ रोगी उपस्थित होता है। एक टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र में रोगी की चिकित्सा जानकारी को स्कैन, परिवर्तित करने, बदलने और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साझा करने के लिए उपकरण उपलब्ध होते हैं। टेलीमेडिसिन स्पेशलिटी सेंटर। टेलीमेडिसिन स्पेशलिटी सेंटर एक स्थल है जहाँ स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं। वह दूरस्थ स्थल में मौजूद रोगी के साथ बातचीत कर सकता है और उसकी रिपोर्ट देख सकता है तथा उसकी प्रगति की निगरानी कर सकता है। टेलीमेडिसिन प्रणाली। टेलीमेडिसिन प्रणाली हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और संचार चैनल के बीच एक इंटरफेस है, जो अंततः सूचनाओं का आदान प्रदान करने और दो स्थानों के बीच टेली काउंसलिंग को सफल बनाने के लिए दो भौगोलिक स्थानों को जोड़ने का कार्य करता है। हार्डवेयर में एक कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण आदि होते हैं। वहीं सॉफ्टवेयर रोगी की जानकारी, चित्र, रिपोर्ट, फिल्म आदि को सक्षम बनाता है। संचार चैनल कनेक्टिविटी को सक्षम करता है।
जिससे दो स्थान एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं टेलीमेडिसिन की उपयोगिता। सुदूर क्षेत्र तक आसान पहुंच, परिधीय स्वास्थ्य सेटअप में टेलीमेडिसिन का उपयोग रोगी परिवार में लगने वाले समय लागत को काफी कम कर सकता है। गंभीर देखभाल की निगरानी जहां रोगी को स्थानांतरित करना संभव नहीं है, चिकित्सा क्षेत्र और नैदानिक अनुसंधान जारी रखने में सहायता, आपदा के दौरान चिकित्सीय सुविधाओं में किसी प्रकार की रुकावट नहीं। टेलीमेडिसिन प्रौद्योगिकी के उपयोग से सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि दूर संचार स्थापित होने के बाद यह चिकित्सा पद्धतियों में विशेषज्ञता ला सकती है। रोबोट्स का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य टेलीमेटेड सर्जरी, यह महामारी की आशंका में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह स्थानीय और वैश्विक स्तर पर बीमारियों की रियल टाइम निगरानी में एक सक्षम विकल्प है। बात करते हैं टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में सरकार के प्रयास। संजीवनी, वर्ष 2005 में केंद्र सरकार ने टेलीमेडिसिन से संबंधित एक सॉफ्टवेयर जारी किया जिसे संजीवनी नाम दिया गया। इसे टेलीमेडिसिन के हाइब्रिड मॉडल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो स्टोर और फॉरवर्ड के साथ साथ रियल टाइम की अवधारणा का उपयोग करता है। फ्रेश सेहत, वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के जरिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य अस्पतालों का नेटवर्क संचालित करने वाली कंपनी अपोलो अस्पताल के साथ मिलकर 60,000 कॉमन सर्विस सेंटर में टेलीमेडिसिन सेवा सेहत शुरू की है। कॉन्टैक्ट परियोजना, दरअसल COVID-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर का संक्षिप्त नाम है। यह एक टेलीमेडिसिन केंद्र है जिसकी स्थापना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा की गई है, जिसमें देश भर के विशेषज्ञों के बहुआयामी सवालों का उत्तर देने के लिए विभिन्न नैदानिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध होंगे। यह एक बहु मॉडल दूर संचार केंद्र है जिसके माध्यम से देश के अलावा विश्व के किसी भी हिस्से से दोनों ओर से ऑडियो वीडियो वार्तालाप के साथ साथ लिखित संपर्क भी किया जा सकता है। चुनौतियां, इसके सामने क्या चुनौतियां हैं उसे भी देख लेते हैं। डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी ई चिकित्सा या फिर टेलीमेडिसिन के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त और परिचित नहीं है। टेलीमेडिसिन के परिणामों के बारे में रोगियों में विश्वास की कमी है। भारत में तकनीक और संचार लागत बहुत अधिक है। कभी कभी टेलीमेडिसिन को वित्तीय रूप से अक्षम माना बना देती है। भारत में लगभग 40% जनसंख्या गरीबी के स्तर से नीचे रहती है, ऐसे में इस वर्ग का तकनीकी रूप से दक्ष होना अत्यधिक कठिन है। विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर द्वारा समर्थित ई चिकित्सा को अभी भी परिपक्व होने की आवश्यकता है। सही निदान और डेटा के अन्वेषण के लिए हमें उन्नत जैविक सेंसर और अधिक ब्रैंडविड्थ समर्थन की आवश्यकता है। टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवा के मामले में दिशा निर्देश बनाने व इन दिशा निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए शासी निकाय का आह्वान। टेलीमेडिसिन सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन कई समस्याओं को संबोधित करने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। टेली हेल्थ, टेली एजुकेशन, टेली होम हेल्थ केयर जैसी सेवाएं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए क्षेत्र में चमत्कारिक साबित हो रही हैं। आपदा प्रबंधन क्षेत्र में टेलीमेडिसिन का विशेष महत्व है, जैसा कि वर्तमान में कोरोना वायरस के प्रसार के दौरान देखा जा रहा है। टेलीमेडिसिन की पहल अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं को करीब ला रही है। गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में रुकावटों को दूर कर रही है। इतनी क्षमता होने के बावजूद अभी भी टेलीमेडिसिन ने उस ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं किया जहां इसे पहुंचने की आशा थी। हालांकि सरकार अब टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करने में गहरी दिलचस्पी लेने लगी है, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसके उपयोग में
धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि हुई है। उम्मीद है कि कुछ वर्षों में टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवाओं को अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचाया जाएगा। तो चलिए, था आपका टेलीमेडिसिन से संबंधित आर्टिकल। आशा करता हूँ कि सबको आपके जवाब मिल गए होंगे। ठीक।